सो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे 2023 में यहाँ पे URL सुनना स्टार्ट करने का सोच रहे। सो काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये डाउट रहे कि 2023 में यहाँ पे URL सुनना बनाना प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर शॉर्ट में इसका आंसर देना चाहूँ तो येस प्रॉफिटेबल है। एंड कितना प्रॉफिटेबल है, कैसे आप बना सकते हो, सब आपको इस वीडियो में मैं कम्प्लीट बनाऊँगा। पूरा स्टार्टिंग से बनाऊँगा कि 2023 में अगर आप URL सुनना बनाना चाहते हो तो क्या आपके लिए स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो जिससे यहाँ पे एक प्रोफेशनल URL सुनना बना पाओ जो कि सक्सेसफुल भी हो। ऐसे कोई स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल करके यहाँ पे तो हर कोई बना लेता है, पर उसको अच्छी तरह मैनेज करना, उसको अच्छी तरह रन करना, क्या क्या तरीके से आप अपने एड नेटवर्क को बचा सकते हो, कौन सा एडेक्स आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ ज़्यादा कोई यहाँ पर नहीं बनाता है। पर इस वीडियो में मैं आपको ये तो दिखाऊँगा कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये बताऊँगा, और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे जो है इसे बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मैटर है, सारे मैटर के बारे में बात करेंगे तो वीडियो वहाँ पे कंप्लीट देखना। सो पहले को इसमें टेक्निकल पास के एक नई वीडियो में स्वागत है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ले जाऊँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यहाँ पे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे करना, तो आपको ऐसा ही जो है कंटेंट मिलता रहता है। एंड मेक श्योर यहाँ पे सब्सक्राइब करना, कुछ 30 सब्सक्राइबर ही कम है एंड हमारे यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो मेक श्योर यहाँ पे आप सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसी जो है वीडियो लाता रहूँगा। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे URL सुनना जो है प्रॉफिटेबल है क्या नहीं। सो मैंने यहाँ पे जो है एक शॉर्ट यहाँ पे ओपन करा हुआ है जो कि काफ़ी फेमस चला चुकी है URL शॉर्टेक्स। सो अभी के लिए हम जो है इसी शॉर्टनर का मैं आपको यहाँ पे ट्रैफिक जो है चेक करके दिखाने वाला हूँ कि कितना इस शॉर्टनर के बाद ट्रैफिक है एंड उस ट्रैफिक के अंदाजे से आप पता लगा सकते हो कि मतलब कि मेन इन सब में क्या रहता है, आपके पास ट्रैफिक आना चाहिए। अगर आपके पास ट्रैफिक आता है तो उसे इजीली आप जो है एड वगैरह लगा के अर्निंग कर सकते हो। सो जैसे अगर मैं आपको URL शॉर्टेक्स का नाम पे होम पेज का नाम है ट्रैफिक दिखाऊँ जो कि मतलब इसके मेन शॉर्ट लिंक का नहीं होता, वो कुछ से मतलब कि 142K के करीब तो नाम पे डेली इसके में यूज़र जो है लोग ही नहीं करते होंगे, तो ये होम पेज का मेनली जो इनका कैसे रहता है ये सब नाम पे सेफ लिंक का यूज़ करते हैं। तो मेनली जो इनका शॉर्ट लिंक का जो पेज होता है उनमें जो डोमेन है उससे हमको मेन पता लगेगा इनका कितना ट्रैफिक है। जैसे मैं यहाँ पे एक इसका डोमेन ओपन करता हूँ XP Short, तो जैसे मैं इसे ओपन करूँगा यहाँ पे देखो इसका पेज आ रहा है, तो हम इस पेज को बाईपास करते हैं, इसका डायरेक्टली जो है लास्ट पेज जो आएगा उसके यहाँ पे हम ट्रैफिक चेक करेंगे, क्योंकि पहले पेज का यहाँ पे चेक करें कोई फायदा नहीं है क्योंकि रिसेंटली इसने ब्लॉगर को कनेक्ट करा है URL शॉर्टेक्स वाले ने, तो इसलिए यहाँ पे जो हमको कुछ इसका डेटा सिमिलर वेब में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सिमिलर वेब में अगर आपको डेटा देखना है तो मिनिमम 2-3 मंथ आपका साइट जो है और होना चाहिए एंड उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक होना चाहिए जब भी आपका साइट यहाँ पे सिमिलर वेब पे ऐड होता है। तो जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे एंड यहाँ पे हमारा 30 सेकंड जो है पूरा होने वाला है एंड पिछले टाइप की आपको फेस कैम ज़्यादा पसंद आता है तो आप कमेंट करके बता देता हूँ, पिछले टाइप का मैं दोबारा से बनाना चालू करूँगा। बाकी मुझे अभी जिस पोजीशन में यहाँ पे सेट करूँ ये हमारा बेस्ट सेट है, तो इसमें मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ फेस कैम जो है दे पाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे प्लीज वेट आ रहा है। एंड यहाँ पे अभी हमको गो टू लिंक गेट लिंक जो भी लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि गो टू लिंक आ रहा है क्लिक करते हैं एडिक्स में लास्ट पेज का ओपन हो चुका है। सो अब आप जो है इस लास्ट पेज का ट्रैफिक चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना यहाँ पे ट्रैफिक है। तो जैसे मैं सिमिलर वेब के सेंसर में क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हो 8.8 मिलियन के करीब का इसी समय टोटल जो है इस पर ट्रैफिक है URL शॉर्टेक्स में एंड 8.8 मिलियन का यहाँ पे एक छोटा नंबर दिया। अगर आपके पास इतना ट्रैफिक हो तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर एडसेंस वगैरह भी यूज़ करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो इससे हमको ये पता लगता है कि एक शॉर्टर्म बनाना जो है 2023 में यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पे काफ़ी सोना यहाँ पे चल रही है एम का आप ट्रैफिक चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी तो आपको URL शॉर्टेक्स दिखा रहा हूँ, अब इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे सोना होंगे जो कि मतलब हिडन होंगे जो कि लोगों को पता भी नहीं होगी एंड उनमें जो है इनसे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक होगा। एंड इस समय तो गए यहाँ पे 2023 में यहाँ पर तो गए 5G आ रहे हैं एंड 5G से क्या होगा यहाँ पे लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, तो हाई स्पीड इंटरनेट से यहाँ पे वो डाउनलोडिंग का यहाँ पे चीज़ जो है बढ़ाएगी एंड सोना जो है यहाँ पे डाउनलोडिंग कंटेंट में मेन जो है चलता है, जितना यहाँ पे जो है फाइल्स वगैरह जो है डाउनलोड होते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको अर्निंग होता है। एंड इस समय अगर यहाँ पे जियो एंड एयरटेल यहाँ पे दोनों जो है 5G का अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करें, तो लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा मूवी डाउनलोड करेंगे, कंटेंट डाउनलोड करेंगे, तो ये लोग यार आप जानते हो इंडिया में यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है डाउनलोड ही करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे पेड जो है सब्सक्रिप्शन जो है कम भी लेते हुए नेटफ्लिक्स वगैरह का हो गया, लोग जो है यहाँ पर डाउनलोड करना ही जो है पसंद करते हैं। सो ये तो होगा कि यहाँ पर URL सुनना प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सो अब बात करें यहाँ पर आप एक URL सुनना कैसे बना सकते हो। सो URL सुनना बनाने के मैंने पूरा यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया है, अपने चैनल में जाओ प्लेलिस्ट पे जाओ एंड इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना एंड इसको पूरा देखना, कुछ 9 वीडियो है, आप चाहो तो एक दिन के देख सकते हो, आप चाहो तो जितना टाइम आपको लेना है वो ले सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक जो है कंप्लीट बताया कि आप कैसे जो है URL सुनना बना सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूँ, मतलब लेटेस्ट आपको एक प्लेलिस्ट बना के दूँ जिसमें मैं आपको लेटेस्ट मैटर मतलब कि क्या क्या इस समय टाइम में चल रहा है वो सब आपको बताऊँ,
तो जो है तो आप बोल सकते हो मैं एक नया प्ले लिस्ट आपके लिए बना दूंगा, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि दोबारा से सारे पार्ट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। बाकी वो चीज़ आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कमेंट करके अगर बता दूँ, ये नहीं कि एक दो लोग बोलेंगे मैं बना लूँगा, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा। एंड जैसे ही बोला कि मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगा, स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको एक सक्सेसफुल यू आर एस सोना बनाना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको कभी भी जो है विदाउट वर्डप्रेस के यहाँ पे यू आर एस सोना नहीं बनाना। अगर आप विदाउट वर्डप्रेस के बना जाओगे तो आपको $1 का भी सीपे यहाँ पे नसीब नहीं होगा, बल्कि अपना एडसन अल्टरनेटिव लगाओगे या पॉप एड्स वगैरह लगाओगे एंड उन सबको लगाओगे तो यहाँ पे आपको मुश्किल से जो है $1 का भी यहाँ पे सीपीएम जो है मुश्किल से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको बोलूँगा नेसेसरी है अगर आपको यहाँ पे यू आर एस सोना बनाना है तो आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए एंड उस वर्डप्रेस पे क्या तो एडसेंस का अप्रूवल आप ले लो, क्या तो एडसेंस अप्रूवल वाला वेबसाइट बाय कर सकते हो, क्या तो उस पर एडेक्स अप्रूवल ले लो। मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा कि अगर आपको रिस्क फ्री काम करना है, आपको ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं है कि आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको यही नहीं, आप ये चाहते हो कि पैसा भी अच्छा कमाओ एंड रिस्क फ्री भी कमाओ, तो यहाँ पर आप एडेक्स से जा सकते हो। बस आपको एक डोमेन में एडेक्स का अप्रूवल लेना है। जब आपके पास एडेक्स सेट और एडसन दोनों में से कोई एक होता है, जब यहाँ पर आप एक यू आर एस सोना जो है बनवा सकते हो। अब बनवा सकते हो कह रहा हूँ, बना भी सकते हो, दोनों मैटर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला है कि आपको अगर खुद से बनाना है तो सबसे बेस्ट मैटर आप जो है मेरा प्ले लिस्ट देख सकते हो, इस प्ले लिस्ट में आपको खुद जो है बनाना सिखाया। बाकी अगर आप नहीं चाहते कि आपको यहाँ पे यू आर एस सोना बनाना पड़ा, अगर हमें कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे बना सकते हो, तो आप हमारे जो है यू आर एस सोना का नाम पर प्लान जो है परचेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक यू आर एस सोना का प्लान बनाया जिसमें आपको कंप्लीट जो है यू आर एस सोना जो है बना के रहूँगा। आगे हम उसके बारे में बात करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको यू आर एस सोना की, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एडेक्स अप्रूवल वर्डप्रेस डोमेन होना चाहिए, कह रहा हूँ के पास एडसेंस अप्रूवल वाला डोमेन होना चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बाद में एडेक्स अप्रूवल ले लो, पहले सोना साइट बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ पे जो है अप्रूवल लेके डोमेन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पे पहले यू आर एस सोना बना सकते हो एंड कुछ आपको एक दो महीना अप्रूवल में लग जाएगा एंड एक दो महीने के बाद यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे हम अर्निंग जो है स्टार्ट कर सकते हो। बाकी काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि पहले यू आर एस सोना बना लेते हैं एंड उसके बाद वो यू आर एस सोना से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते हैं एंड ट्रैफिक भेजने के बाद उनके पास एक अच्छा एनालिटिक हो जाता है एंड उस एनालिटिक को शो करके जो है एडेक्स वगैरह में अप्रूवल ले लेते हैं, क्योंकि एडेक्स में यहाँ पे आपको ट्रैफिक चाहिए होता है, एडसन में ट्रैफिक नहीं चाहिए होता। बाकी एडसन जो यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल भी रहता है, एडसन आप खरीद भी सकते हो अगर आपसे अप्रूवल नहीं होता। बाकी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ है आप कैसे जो है एडसन एडेक्स वगैरह ले सकते हो। तो ये तो बात होगी कि अगर आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट बनाना है तो ऐसे जो है यूर सर बना सकते हो, इस प्ले लिस्ट को देखना एंड आप इजीली जो है सोना बना सकते हो। बाकी आपको सोने से रिलेटेड कुछ भी जो है स्क्रिप्ट थीम प्लगइन खरीदने हैं, वर्डप्रेस की थीम हो गया, प्लगइन हो गया, तो मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। मेरा डिजिटल स्टोर है mydigitalcard.in, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ से आप एड लिंक लगेगा, स्क्रिप्ट थीम प्लगइन मतलब जितनी भी आपको एड लिंक बनाने की एड लिंक यू आर सोना बनाने की जरूरत होती है चीज़ें सब यहाँ पर आपको देखने मिले एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर लिस्ट करें जिससे इजिली एक बिगनर भी यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है। बाकी अगर आपका फ्रेंड यू आर एस सोना बनाना है तो आप यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है कहीं से आप एफिलिएट कर सकते हो तो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपटू 20% कमीशन देखने को मिलेगा। ये मैंने रिसेंटली ऐड करा है एफिलिएट प्रोग्राम, सो काफ़ी लोगों को बता रहे हैं तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एफिलिएट भी कर सकते हो। पेमेंट मेथड वगैरह सब यहाँ पे मेंशन है, आप जो है चेक कर सकते हो। आपको जैसे mydigitalcard.in में जाना है एंड यहाँ पर आपको एफिलिएट पे क्लिक करना है, आपको फुटर में भी एफिलिएट सेक्शन मिलेगा एंड हेडर भी मिलेगा जिस पे जाओ उस पर आप क्लिक करके जो है आ सकते हो। सो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप यूआर सोना जो है बनवाना चाहते हो तो आप कैसे बनवा सकते हो। तो जैसे आपको क्या करना है, मेरी एक वेबसाइट पर आना है parijaydrip.com जो कि मेरा एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है जहाँ पर आपको मेरा डिटेल्स जो है देखने को मिलेगा क्या मेरा स्किल्स है, बल्कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ जो कि आपको पता ही होगा अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो। तो यहाँ पर जैसे आपको मेरी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्विसेज पे क्लिक करो यहाँ पे आपको यू आर एस सोना का कंप्लीट सर्विस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे मैं और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आप देखिए मैंने टीन ही लिस्ट करें, आने वाले टाइम में यहाँ पे और भी लिस्ट करूँगा। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट यू आर एस सोना का एक सर्विस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो वर्डप्रेस इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा एंड होस्टिंग एंड डोमेन। तो ये दो चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस यहाँ पे वेरी करेगा। जैसे कि 1500 से यहाँ पे स्टार्ट होता है, मिनिमम 1500 लगेगा एंड हाईएस्ट यहाँ पे 6000 रुपये के करीब का जो है जाता है। सो जैसे यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस इंटीग्रेशन में आओ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक के साथ जा सकते हो एंड ऑर्गेनिक और नॉर्मल में फ़र्क है। नॉर्मल में यहाँ पे आप कला एडेक्स यूज़ कर सकते हो एंड ऑर्गेनिक में यहाँ पे आप एडेक्स एंड एडिसन दोनों यूज़ कर सकते हो, दोनों जो है सेफ रहते हैं। ऑर्गेनिक में मिले आपको यहाँ पे हाई सी पी एम, हाई सी पी सी मिल रहा है, वहाँ पे एडसन भी यूज़ कर सकते हो। मेनली मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ऑर्गेनिक में यहाँ पे आपका हाई इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड नॉर्मल यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक से जो है काफ़ी सस्ता पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे आप नॉर्मल के साथ जाओगे तो आपको चीप पड़ेगा
एंड नॉर्मल में ये नहीं है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते, उस पर आप एडेक्स वगैरह इजली यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको हाई अर्निंग करने का बस हाई इन्वेस्टमेंट भी है तो यहाँ पर ऑर्गेनिक करवा सकते हो। जैसे ही मालूम मेरे पास यहाँ पे हाई अर्निंग मुझे करना है, मेरे पास हाई इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सेलेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम में जितने भी सोलर चल रहे हैं ऑलमोस्ट सब यहाँ पर ऑर्गेनिक यूज़ करना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर आपको बाकियों की तरह करना है ना ऑर्गेनिक जैसे, तो ये नहीं कि नॉर्मल में अर्निंग नहीं है, नॉर्मल में आपका बहुत अर्निंग है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सेलेक्ट करूँगा, बाकी आपको एक वर्ड प्रेस इंटीग्रेशन को स्किप करने का ऑप्शन मिल रहा है जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इसको स्किप करोगे तो भाई आप 1-2 पेज में यहाँ पे जो एडिट फ्लेवर है उसमें क्या ही एडिट मतलब आ पाओगे। तो मैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नन करो, आप नॉर्मल कह रहे हो ऑर्गेनिक डोमेन में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद होस्टिंग या डोमेन आपके पास है क्या नहीं, वो आपसे पूछेगा। जैसे कि हमारे पास जो है यू आर सुनने के लिए डोमेन भी है एंड वर्ड प्रेस के लिए भी डोमेन है। अगर मैंने वर्ड प्रेस सेलेक्ट करा ना लिखा है इफ़ वर्ड प्रेस नीड, मतलब अगर आपने वर्ड प्रेस सेलेक्ट करा है वर्ड प्रेस इंटीग्रेशन तो यहाँ पे वर्ड प्रेस का जरूरत होगा। सो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यूआर सुनने के भी डोमेन है एंड वर्ड प्रेस के लिए भी डोमेन है तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो हमको यहाँ पे फाइनल कॉस्ट आ जाएगा कुछ 3,000 में अपना कंप्लीट जो है यूआर सुनना बन जाएगा, जिसमें कस्टम थीम वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह सब जो है इंक्लूडेड है। एंड बाकी अगर आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग दी है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग यहाँ पे प्राइस जो है ऐड करके बता देगा। एंड जो यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे h2hosting.in से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते नीचे लिखा गया, तो h2hosting.in से यहाँ पे होस्टिंग मिलेगा, वो भी आपको 1 साल का मिलेगा, प्लस आपको दोनों डोमेन भी मिल जाएगा जो कि वर्डप्रेस है उसका है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि होस्टिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको यहाँ से होस्टिंग जो है ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, आप चाहते हो कि आप पहले होस्टिंग या डोमेन परचेज कर लो एंड फिर ये पैकेज परचेज करो 3,000 का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको होस्टिंग लेना है यहाँ पर h2hosting.in से ले सकते हो। ऑलमोस्ट 99% साइट जो है इसी में होस्ट है। तो यहाँ पर जब आपको होस्टिंग में आना है आप यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। बाकी जब आपका ट्रैफिक बढ़ेगा VPS एंड क्लाउड पे भी मूव कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन प्लान 50 रुपये से चालू होता है, स्टार्टअप प्लान 129। मैं आपको बोलूँगा स्टार्टअप प्लान लेना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आप 2 वेबसाइट तो होस्ट करोगे, क्योंकि एक तो आपका URL सर्वर हो गया एंड एक आपका वर्डप्रेस हो गया। तो आपको ये प्लान यहाँ पर ले लेना 129 वाला। एंड यहाँ पे जो एक फ्री का जो है डोमेन मिल जाएगा जो कि आप URL सर्वर में यूज कर सकते हो। जैसे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे 1 साल का होस्टिंग परचेज करना है अगर आपको यहाँ पे डोमेन लेना है। सो डोमेन यहाँ पे .com.in.xyz.info मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम जो है कोई भी एक डोमेन डालते हैं, चेक करते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका GST वगैरह ऐड करके यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एनुअली सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने फाइनल में जाएगा। यहाँ पे आपका कोई प्रोमो कोड वगैरह डाल सकते हो, कोई प्रोमो कोड अवेलेबल होगा तो मैं आपको डिस्प्ले में शो करवा लूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दोनों जगह चेक कर लेना। एंड यहाँ पे फिर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, गूगल से भी क्रिएट कर सकते हो। एंड पेमेंट करना है, पेमेंट इंडिया के लिए यहाँ पे बेस्ट है, UPI से आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे एक वर्डप्रेस का डोमेन भी बेच दो यहाँ पे ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्डप्रेस भी क्रिएट करना है तो आपको एक वर्डप्रेस डोमेन भी यहाँ पे चाहिए होगा। एंड बाकी यहाँ से अगर आप सर्विस जो है परचेज करते हो एंड आपको वर्डप्रेस वगैरह भी अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो ये आपको वर्डप्रेस जो है प्रॉपर इंस्टॉल करके दे देंगे। एंड प्रॉपर इसमें आपको गाइड मिल रहा है, आपको यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन मिलता है, लाइव जो है इनसे चैट कर सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आए इनसे बात कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आपको कैसे एडिक्स ले सकते हो, कौन सा ले सकते हो, मतलब कंप्लीट जो है डिटेल यहाँ पे मिल जाता है अगर आप यहाँ पे सर्विस जो है परचेज करते हो। बाकी कंप्लीट डिटेल मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें मैंने एडेक्स वगैरह सब बनाया है। एंड रिसेंटली यहाँ पे मैं कुछ 2-3 और एडेक्स मुझे मिले हैं, हो सका तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। सो वापस इधर आते हैं एंड इधर जो यहाँ पे आपको एक वर्डप्रेस का डोमेन भी अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्या लेना है। एंड उसको यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट करना है ताकि आप उससे जो है परचेज कर पाओ। जैसे कि यहाँ पे जैसे आपको डोमेन भी जाना है अपना वर्डप्रेस का डोमेन लेने के लिए, एंड यहाँ पे आप .com भी ले सकते हो, .in भी ले सकते हो। तो मैं आपको .in बोलूँगा, आपको चीप पड़ेगा, बाकी .com जो है बेस्ट रहता है। अगर आपके पास बजट का यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं है, आपके पास बजट है तो आप .com के साथ जा सकते हो। जैसे कि अब मैं कोई भी जो है एक डोमेन डाल लेता हूँ, जैसे कि आप कुछ भी एक डोमेन जो है सर्च कर लेते हैं। तो जैसे कि अवेलेबल लिया तो हम क्या करते हैं इसका कुछ भी जो है डाल लेते हैं। आपको कुछ भी नेम नहीं सोचना, आपको एक बेस्ट जो है वर्डप्रेस के लिए अपना नेम जो है सोच लेना जो कि अवेलेबल हो। जैसे कि अभी मेरे मैंने डेमो पर्पज़ के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी डोमेन लो उसके अंदर यहाँ पे टैग वर्ड आता हो। आप टैग के बाद चाहो तो अपना नेम भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, नहीं डाल दो, मतलब कुछ भी यार डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे डोमेन नेम जनरेटर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको डोमेन के लिए जो है नेम जनरेट करके दे देंगे, तो उनका भी यूज़ कर सकते हो। जैसा यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे फिर आपको कंटिन्यू करना है,
एंड ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कंप्लीट जो है एक टीम जो है प्रोडक्ट उसे ऐड हो जाएगा, जिसमें एक डोमेन आपका फ्री है, एक का पे करोगे एंड टोटल कुछ आपको इतना जो है अमाउंट यहाँ पे पे करना है। एंड जैसे भी इतना अमाउंट पे करोगे आपका 1 ईयर का यूर सोलो मान लो रिचार्ज हो गए, आपको फिर यहाँ पे 1 साल तक आप आराम से अपना यूर सोलो सर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर जो है इतना अमाउंट पे करना होगा रिन्यूअल में, तो आप इतना जो है पे कर सकते हो इजिली, क्योंकि 1 साल में यहाँ पे अर्निंग जो है कर लोगी। तो ये चीज़ें कुछ आपको परचेज कर लेना है, अगर आपको होस्टिंग एंड डोमेन खुद से लेना है तो आप इजिली यहाँ से जो है परचेज कर सकते हो। बाकी आप इंडिया से नहीं हो तो कार्ड एंड क्रिप्टो का ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे आप जो है पेमेंट जो है कर सकते हो। सो बाकी का जो प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ से आप सर्विस जो है कैसे परचेज कर सकते हो, वो मैंने वीडियो में आगे बताया एंड वो पार्ट यहाँ पर मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो मैं उसी को यहाँ पर कंबाइन कर दूँगा, उसको देख के इजिली जो है सर्विस को परचेज करते हो। कंप्लीट मैंने बताया कि पेमेंट करने में आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, जैसे यहाँ से आ गया आपको ऐड टू कार्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे सर्विस परचेज करने का सोच रहे हो तो ही आप जो है आगे का जो है वीडियो पार्ट जो है देख सकते हो, वरना आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि सर्विस कैसे परचेज करना है वही मैंने बताया भी, तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो जो है थोड़ा लंबा भी हो गया होगा। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बाकी नहीं देखना है तो नहीं देख सकते, मैं आपको यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं करूँगा। बाकी इतना पार्ट देखना है यहाँ पे आपको मेल जो है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जितना भी मैं बोल चुका हूँ, तो जितने मेन टॉपिक्स मेरे को आपको बताना थे वो मैं बता रही है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा जो है एक सेपरेट मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें आपको योर सपनों को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कुछ उसके लिए टिप्स दूँ ट्रिक्स दूँ कि आपको एड नेटवर्क वगैरह का क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, मतलब पूरा डेफ आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बस सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा। एंड बाकी यहाँ पे जैसे आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा एंड यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट के और पे आप यहाँ पे जो है पेटीएम यू पे से पेमेंट कर सकते हो एंड बिटकॉइन क्रिप्टो एंड कार्ड, बस जितने भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है सबसे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। बाकी पेमेंट करने वाले यहाँ पे सर्विस कैसे परचेज करना है वो मैं आपको आगे जो है दिखाता हूँ। एंड हमारा पेमेंट यहाँ पे अप्रूव हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे ऑर्डर का जो है रिक्वायरमेंट मांगेगा, जो कि मेरे एडमिन को यहाँ पे कुछ जो है रिक्वायरमेंट चाहिए बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे फाइल्स के भी आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का जो है नेम इनको बताना है, जैसे कि यहाँ पे हम नेम क्या बताते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए इसे ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे जो है इसी नेम को यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक्सपी सोट में डाल लेता हूँ एंड प्रॉपरली डालना है सब, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट करके आपको बनाएगी। ये देखिए आपका डिटेल्स, तो डिटेल्स हमें अपना नेम डाल दिया, नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन डाल लेना है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम देखते हैं जीपी लिंक ने क्या डाला है एंड वही यहाँ पे हम डाल देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से अच्छी तरह सोच के डाल लेना, जैसे कि व्यू पेज करता है तो शॉर्ट लिंक एंड अर्न मनी, तो यही यहाँ पे हम डाल लेते हैं। एंड इसमें यहाँ पे थर्ड रिक्वायरमेंट आपसे बोल रहे हैं कि आपको यूआर सोना वेबसाइट का डोमेन के जी, जो कि मतलब .com के साथ है, मेन लिए आप ये चीज़ जब भी फिल करना जब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा कि आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है। अगर हमने पहले का परचेज करा हुआ तो आपको उसे ब्लैंक छोड़ना है एंड ब्लैंक भी यहाँ पे आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, वरना आपको ये फिल जो है दिखाएगा कि आपको फिल करना है। यहाँ पे जैसे आपको एक बार जो है स्पेस फिल करना है, जैसे आप स्पेस फिल करोगे तो ये ब्लैंक में आपका जो है सबमिट हो जाएगा। उसके यहाँ पे आपको वर्डप्रेस डोमेन बताना है अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग नहीं लिया सेम चीज़। एंड उसके यहाँ पे आपको थीम को ऑप्शन मिलेगा कि आपको थीम जो है यहाँ पे क्या लेना है, जितने भी थीम इस समय जो है अवेलेबल है, एलक्री थीम, ब्लैक थीम, ब्लू डार्क, लाइट सॉफ्ट, मतलब जितने भी थीम यहाँ पे सभी अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं सॉफ्ट येलो सेलेक्ट करूँगा एंड उसके यहाँ पे आपको होस्टिंग का जो है एक्सेस देना है अगर आपका डोमेन एंड होस्टिंग है। जैसे कि आप अपने S2 होस्टिंग यहाँ पे होस्टिंग में चेस करें तो आपका जो S2 होस्टिंग का यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स है, उसका लिंक और उसका मतलब कि ईमेल आईडी पासवर्ड वो यहाँ पे आपको देना है एंड ये सब देने में यहाँ पे आप सबमिट डिटेल्स पे एंड ये सब फिल करने में यहाँ पे आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है। एंड जैसे कि आप जो है वर्डप्रेस डोमेन में यहाँ पे स्पेस डालना बोल के तो आप स्पेस डालते हैं एंड जब सेव डिटेल्स करेंगे तब वो जो ऑर्डर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है फिल करें एंड हाइड पे क्लिक करके आप हाइड कर सकते हो एंड इसके जैसे नीचे आपको जो है सेंड मैसेज का उसे मिलेगा जहाँ पे आप जो है चैट कर सकते हो हमारी टीम से। जैसे कि यहाँ पे मैं हे जो है लिखूँगा तो ये डायरेक्टली जो है मैसेज हमको जो है चला जाएगा। एडिशनल यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन जो है चालू हो चुका है, जब यहाँ पे हमारा नेम आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है एंड मतलब कि जो भी यहाँ पे आपका मैसेज आएगा वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एंड यहाँ पे जो भी मतलब कि हमारे टीम के मेंबर आपको रिप्लाई देंगे वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। बाकी जब भी यहाँ पे कोई भी रिप्लाई आता है तो आपके यहाँ पे ऊपर की साइड पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है मैसेज का एंड आपको जो है ईमेल भी आ जाता है कि आपको यहाँ पे कुछ रिप्लाई वगैरह मिला है, ताकि आप आराम से जो है कर सकते हो। एंड जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी डेट हमारा दिखा रहा है कि हमारा 28 तारीख तक यहाँ पे हाइएस्ट जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे मतलब 28 तारीख तक लग सकता है। यहाँ पे डोनेशन यहाँ पे दिखा रहा है 2 डेज, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है 2 दिन लग सकता है लिंक्स और सेटअप करने में। मेनली यहाँ पे हमारी टीम जो आपका 2 से 3 घंटे के अंदर सेटअप कर देती है,
बस यहाँ पे आपकी किस्मत को डिपेंड है। अगर आप ऐसे टाइम में ऑर्डर करोगे कि मान लो 8 के 12 बजे हो गया, कह रहा हूँ ऐसे टाइम में ऑर्डर करोगे जब मतलब कि जा रहा ऑर्डर जो है प्लेस हो रहे, तो हर हिसाब आपको 2 डेज तक लग सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आप जो अपना लिंक से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी प्ले लिस्ट आपको जो है मिल जाएगा मेरे चैनल पर, यहाँ पर आप जा रहा एंड ऐसे यहाँ पर आप जा रहे हो तो सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर से कर लेते हो कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। एंड प्ले लिस्ट में जो है जा सकते हो। एंड हमारे चैनल में आपको और भी काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिले, जैसे एक मूवी वेबसाइट कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था जिसका यहाँ पर मैंने अभी तक जो है कुछ भी आपको अपडेट नहीं दिया है, तो उसके लिए सॉरी। सो जो उसके यहाँ पर मूवी वेबसाइट के जो हमारे पार्ट है वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं अभी मतलब कुछ पार्ट रिकॉर्ड हुआ है कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर कोई दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि हम जीरो टाइप पर चलते हैं एंड एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट यहाँ पर कुछ अभी 4 पार्ट जो है रिकॉर्ड हुए एंड बाकी पार्ट यहाँ पे मतलब कि आपकी हमारा जो ट्रैफिक का मॉडल एंड और भी काफ़ी चीज़ें जो है रहता है, मतलब कि अभी बस 4 पार्ट रिकॉर्ड हो गए, बाकी जब पार्ट रिकॉर्ड होते के तो आपको मेरे टेलीग्राम से यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो मिक्स यहाँ पे आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लेना एंड हर वीडियो को यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ इस टाइप से जो है लिंक मिल जाता है मेरे सोशल मीडिया का, जहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, तो टेलीग्राम में मस्ट ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, इन सारी जगह पे मैं जो अपडेट जो है दे रहा था। सो बस कैसे इसी वीडियो में नहीं था, आई होप ये वीडियो को पसंद आता है, इस वीडियो को आप लाइक करेगा एंड चैनल पर नए तो मेक श्योर यहाँ पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।